warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. We all are fine. हम भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने भी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. स्टूडेंट्स, एज वी हैव रेड यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 22 और 23 के हमें कॉन्टेक्ट्स जो है उसके पढ़े हैं. और यूनिट नंबर 2 इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वेलबींग एंड द रीडिंग टेक्स्ट इज अ ड्रीम दैट ब्रॉट अ बिग चेंज. जैसे आपने हमने इसमें पढ़ा कि कमाल के क्लासमेट्स जो हैं वो जा रहे थे पाकिस्तान टूर पे, कुछ शहरों में घूमने जा रहे थे, बट कमाल एंड हिज फ्रेंड्स यूसुफ एंड जिजाज वर नॉट अलाउड टू गो बिकॉज दे वर अनहेल्दी, फिजिकल अनफिट थे, वो सिक थे. कमाल का भी हमने बताया था कि उसको बैड कफ रहता था, समटाइम्स दे हैड फीवर. डॉक्टर ने उसको, स्कूल के डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था. और फिर हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें डॉक्टर ऑफ हिज स्कूल एडवाइस हिम टू टेक केयर ऑफ हिम सेल्फ, उसको कुछ सजेशंस करी, कुछ एडवाइसेस दी कि तुमने क्या करना, तुमको क्या करना चाहिए. ठीक है, सो वी हैव रेड इट. हमने उसके अंदर पढ़ा भी और उसको एक्सप्लेन भी मैंने आपको किया. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट के अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें से हमें क्या मालूम हुआ कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एज वेल, कि हमें अपने सेहत का, अपने आप का ख्याल करना चाहिए, जैसे डॉक्टर ने कमाल को कहा. और ये बात जैसे कि हमने उसमें पढ़ी कि वो सारा जो सीन था वो क्या था. यस, दैट वॉज कमाल्स ड्रीम. वो कमाल अपने ख्वाब में देख रहा था, है ना. सो और फिर वो रो रहा था उसके अंदर. फिर उसकी वालदा आई और उन्होंने उसको उठाया कि कमाल तुम रो क्यों रहे हो. सो आफ्टर दैट वी विल रीड इट एंड एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, इसके बाद हम मज़ीद आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि फर्दर इस यूनिट में क्या है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर यूनिट एंड ओपन पेज नंबर 23 हमने जहाँ छोड़ा था. अब उसके बाद से वी विल रीड. ओके, लेट्स रीड विद मी, मेरे साथ रीडिंग कीजिए. उसकी वालदा ने उसको सोते में से जगा दिया और उससे पूछा कि क्या तुम कोई बुरा ख्वाब देख रहे थे. ओके, कमाल ओपन्ड हिज आईज एंड लुक्ड एट हिज मदर. Then he quickly got out of bed and said, Mother, I will eat whatever food you give me. I know that you always tell me to eat proper food, but I never listen to you. From today, I will have everything, milk, fish, meat, vegetables and fruits, because I want to be healthy. I will not eat too many sweets and paan and chhalia because these things make us sick and unhealthy. Students, यहाँ पर जब उसकी वालदा ने उसको सोते में से उठाया, then he opened his eyes. कमाल, चूँकि आपको बताया था कि वो रो रहा था, आँखें खोली. कमाल opened his eyes and looked at his mother. उसे अपनी आंखें खोली और अपनी अम्मी को देखा. देन ही क्विकली गॉट आउट ऑफ बेड एंड सेट. वो फिर वो फौरन ही गॉट आउट, बिस्तर से गॉट आउट बाहर आया, निकला बिस्तर से बाहर आया. ठीक है, गॉट आउट निकला बाहर आया बिस्तर से एंड सेट, अपनी अम्मी से कहा, मदर आई विल ईट वॉट एवर फूड यू गिव मी. अम्मी, मैं वो सब खाऊंगा जो आप मुझे खाने को देंगी. ठीक है, आई नो दैट यू ऑलवेज टेल मी टू ईट प्रॉपर फूड. मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा प्रॉपर फूड यानी मुनासिब ग़ज़ा खाने को कहती हैं, बट आई नेवर लिसन टू यू, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ. फ्रॉम टुडे आई विल हैव एवरीथिंग, milk, fish, meat, vegetables and fruits, because I want to be healthy.
फ्रॉम टुडे आज से आई विल हैव एवरीथिंग, मैं आज से यानी सब कुछ खाऊंगा, यानी दूध भी पीऊंगा, मछली भी खाऊंगा, गोश्त भी खाऊंगा, सब्जी भी खाऊंगा और फल भी खाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हेल्थी, क्योंकि मैं सेहतमंद होना चाहता हूँ. आई विल नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड पान एंड छालिया बिकॉज दीज थिंग्स मेक अस हेल्दी सिक एंड अनहेल्दी. अब उसने कहा कि मैं नहीं खाऊँगा टू मैनी स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मीठा, एंड पान एंड छालिया, पान छालिया मैं नहीं खाऊँगा बिकॉज दीज थिंग्स मेक अस सिक एंड अनहेल्दी. ये चीज़ें हमें बीमार करती हैं और गैर सेहतमंद करती हैं, यानी सेहत हमारी सेहत नहीं होगी. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस लाइन, क्या समझ में आया जी? स्टूडेंट्स, इस लाइन से हमें क्या समझ में आया जी? कमाल हैड बैड हैबिट्स फॉर रिगार्डिंग ईटिंग स्वीट्स, पान और छालिया, यानी वो बहुत ज़्यादा मीठा, टॉफ़ी, मीठी चीज़ें बहुत खाता था, पान भी खाता था, छालिया भी खाता था. इसकी वजह से देखिए उसको क्या हुआ, उसने ख्वाब में क्या देखा कि वो अपने हम जमात के साथ, अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे नहीं जा पाया. डॉक्टर ने उसको रोक दिया और उससे उसको सबक मिल गया उससे, और एक लेसन उस ड्रीम से उसको हासिल हो गया. एंड ही प्रोमिस्ड हिज मदर, उसने अपनी अम्मी से वादा किया कि अम्मी अब जो भी खाने को देंगी वो खाएगा, ठीक है, और वो ऑल द बैड थिंग्स जैसे स्वीट्स, पान और छालिया है वो अब नहीं खाएगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, इंसान को सिक करती हैं और बीमार करती हैं. आई एम हैप्पी टू हियर दिस, सेड हिज मदर, उसकी अम्मी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर. गो ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स एंड फेस, देन कम एंड हैव ब्रेकफास्ट. यस मदर, एंड आई विल ऑल्सो टेक अ बाथ एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड, बिकॉज इफ यू रिमेन क्लीन वी विल नॉट फॉल सिक, सेड कमाल. And I will also play outside with my friends after I finish my homework because physical exercise is good for health, mother said. Kamal, yes my son, she said. And continued Kamal. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है कि वो एंड के बाद रुक कर फिर अपनी बात को वो आगे कर रहा है कमाल. I will not watch too much television, but will go to bed early because I want to be fresh and active when I wake up in the morning for school. Kamal's mother was very surprised when she heard him say all these things. She did not know what had brought about this change, but she was very happy that he was now going to change his lifestyle in order to become a strong and healthy boy. Now let's the explanation. Okay students, I am happy to hear this, said his mother. उसकी अम्मी ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ ये सुनकर. जो भी उसने बातें की ना कि अब मैं ये नहीं खाऊँगा और आप मुझे जो देंगी मैं सब वो खाऊँगा, तो उनकी अम्मी को बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर. Go brush your teeth, wash your hands and face, then come and have breakfast. जाओ ब्रश करो, दांतों को ब्रश करो, दांतों को साफ करो, हाथ और मुंह धो, देन कम एंड हैव ब्रेकफास्ट, फिर नाश्ते के लिए आ जाओ. यस मदर, एंड आई विल ऑल्सो टेक बाथ एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड बिकॉज इफ़ यू रिमेन क्लीन वी विल नॉट फॉल सिक. जी अम्मी, आई विल ऑल्सो टेक बाथ एवरी डे, मैं रोज़ाना नहाऊँगा बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले, बिकॉज इफ़ यू रिमेन क्लीन, अगर हम साफ रहते हैं वी विल नॉट फॉल सिक. अगर हम साफ सुथरे रहते हैं ना बच्चों, तो फिर हम बीमार नहीं पड़ते. सो कमाल ने भी यही कहा, सेट कमाल. एंड आई विल ऑल्सो प्ले आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ,
मदर सेट कमाल. अब देखिए मजीद वो क्या कह रहा है अपनी अम्मी को, आई विल ऑल्सो प्ले आउटसाइड, मैं बाहर भी खेलने जाऊँगा विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ. आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, जब होमवर्क, ये बहुत अच्छी हैबिट है बच्चों कि आप होमवर्क वगैरह कर लें अपना फिनिश करके फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाएं. सो इससे क्या होता है आपका टाइम भी बचता है, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ. और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, टीन एजर्स होते हैं, उनके लिए फिजिकल एक्सरसाइज जो है, जिस्मानी जो मश्क है या उन हरकतें हैं या कोई भी ऐसा खेल कूद है, वो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. तो कमाल ने भी अपनी अम्मी से यही कहा. यस माई सन, शी सेड. अम्मी ने कहा जी मेरे बेटे. एंड अब मजीद क्या कह रहा है, कंटिन्यूड कमाला मजीद क्या कह रहा है, और आई विल नॉट वॉच टू मच टेलीविजन बट विल गो टू बेड अर्ली. मैं टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखूँगा और बिस्तर पे यानी सोने के लिए मैं जल्दी चला जाऊँगा. बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ताज़ा रहूँ और चुस्त रहूँ जब मैं सुबह स्कूल के लिए जाऊँ. कमाल्स मदर वॉज वेरी सरप्राइज when she heard him say all these things. कमाल की अम्मी बहुत हैरान हुई जब when she heard, जब उन्होंने सुना उससे ये सारी बातें, कमाल से सारी बातें सुनी तो बहुत हैरान हो गई. She did not know what had brought about this change. उनको नहीं मालूम कि ये तब्दीली कैसे आई. But she was very happy. लेकिन वो बहुत खुश थी that he was now going to change his lifestyle. खुश किस बात पर थी कि कमाल जो है वो अपने रोज़ाना के जो उसका रूटीन था वो बदलने जा रहा था इन ऑर्डर टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉय. कि वो चाहता था कि वो एक मजबूत, सेहतमंद और एक अच्छा लड़का बने. सो दिस इज़ इनफ फॉर अस. एंड जस्ट जैसे हम कहते हैं कि अंडरलाइन करें हम, ठीक है. सो नाउ लेट्स underline the new words, open the next page. हमने फिर ये किया है तो quickly और got out. Okay, proper. Sweets वैसे तो means के मीठा, toffee फिर भी हम लगा देते हैं इसको ताकि आपको आसानी हो जाए. Now let's come to the page number 24. Breakfast or remain outside opposite. Antonym is opposite of outside. Yes, inside. Okay class, physical hum kar chuke hain. Continue. टू मच वॉच पे लगा लेते हैं. एंड फ्रेश एक्टिव मॉर्निंग फॉर स्कूल. कमाल मदर वॉज वेरी सरप्राइज. दिस इज अवर लास्ट वर्ड एंड इट्स इनफ. सो यू विल डू इट इंशाल्लाह. फाइंड आउट द मीनिंग्स फ्रॉम डिक्शनरी. आप इसकी मीनिंग्स को फाइंड आउट कीजिएगा. Students, I am giving you exercise number 1 of page number 25. Exercise number 1 is all about the text. Hamara jo humne unit padha hai usse hi relevant hai. How many characters are there in the story? Is story mein kitne characters hain? Wo aapko iske samne likh dijiyega, theek hai? Kisi rough page pe karne ki zarurat nahi. You will write in फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन. वट आर देयर नेम्स, उनके नाम लिख दीजिएगा. कितने कैरेक्टर्स थे इसके अंदर. यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स. आप उसके नाम कॉमा डाल डाल के यहाँ पर लिख दीजिएगा. विच कैरेक्टर्स इज प्रेजेंट बोथ इन द ड्रीम एंड आफ्टर द ड्रीम. वो कौन सा कैरेक्टर था जो ड्रीम ख्वाब में भी था और ख्वाब के बाद में भी था. सो इट्स वेरी इजी. इंशाल्लाह यू विल डू इट बाई योर सेल्फ. आप कर लेंगे इसको एंड नोट डाउन इट इन योर होमवर्क डायरी. Yes, students, note down your homework. Write down in your lesson diary as usual, जैसे आप करते आए हैं, ठीक है. I hope you will do it smartly. आप यकीन इसको अच्छी तरह करेंगे.
So we will meet inshallah in our next class. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.